ना लड़की को 12 बजे करीब मोहल्ले का ही शेखर मौर्या ले गया और उसने ले जाकर उसका मर्डर कर दिया। हम सभी लोगों की ये मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा से नीचे हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। यूपी के जिला बरेली में कैंट से अगवा किशोरी की पश्चिम बंगाल में मौत बुधवार को कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस कप्तान के दफ्तर तक हंगामे का सबब बन गई। दरअसल चन्हेटा निवासी 14 साल की किशोरी का शव हावड़ा स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसे अगवा करके ले गया और उसका कत्ल कर दिया। किशोरी की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पहले दामोदर पार्क पर उन्होंने कैंट पुलिस पर आरोपी से मिलीभगत का आरोप लगाकर नारेबाजी करी। वहां सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव ने उन्हें मनाने की कोशिश करी, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और भीड़ कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर गई। कलेक्ट्रेट गेट के सामने भीड़ ने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कैंट इंस्पेक्टर और बरेली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। एडीएम प्रशासन दिनेश गाड़ी में बैठकर कलेक्ट्रेट से बाहर निकले तो भीड़ ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। महिलाएं उनकी गाड़ी के आगे लेट गईं। उन्होंने जैसे तैसे महिलाओं को समझाकर गाड़ी के आगे से उठवाया और डीएम को संबोधित ज्ञापन लिया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद भीड़ ने एसएसपी दफ्तर का रुख किया। वहां पहुंचकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस फोर्स के तमाम रोकने के बावजूद भीड़ एसएसपी अनुराग आर के रूम में घुस गई। एसएसपी से मामले में हत्या की धारा बढ़ाने और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग करी। एसएसपी ने भीड़ को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर भीड़ उनके रूम से बाहर निकली। पहले आप देखिए कि प्रदर्शन कर रहे किशोरी के पिता और भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के प्रमुख महामंत्री आनंद साहू ने घटना को लेकर क्या जानकारी दी। फिर हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और अब तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है। घटना, लड़की को 12 बजे करीब मोहल्ले का शेखर मौर्या ले गया और उसने ले जाकर उसका मर्डर कर दिया। बाकी उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया है। कब ले गया था बेटी को? 27। कहाँ ले गया? ये तो नहीं पता कहाँ ले गया। कितनी बड़ी बेटी थी आप? 14 साल की। बात बात होती थी कैसे मिलना हुआ? तो मुझे तो इस बारे में पता नहीं। पढ़ती थी बेटी? जी। लड़का कहाँ का रहने वाला है? चन्हेटा का। अलग अलग क्लास में क्या? नहीं, इस वो नहीं पढ़ता था। हाँ जी, थाने में शिकायत करके आया था। क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे कहा कि अब हमें काम करना मत सिखाओ, हम सब करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? तुम सर कार्रवाई चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। हम न्याय चाहते हैं कब दोषियों के खिलाफ। अगर थाने लड़की की मृत्यु हो गई हावड़ा में, उसकी लाश मिली है। जी, कब मृत्यु हुई थी? मृत्यु हुई है 1 तारीख के लिए, 2 तारीख को सब मिला है। मैं आनंद साहू, भारतीय दैलिक साहू राठौर महासभा से तैलिक समाज का प्रमुख महामंत्री हूँ। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? किसी की प्रदर्शन कुछ नहीं है। तैलिक समाज की एक बेटी की हत्या कर दी गई है, जिसके संबंध में आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और चाहते हैं कि भाई दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चूँकि हत्या की सजा फांसी मानी गई है, इसलिए पूरा समाज जो है फांसी की सजा की मांग करता है। कौन लोग हैं, क्या है? शेखर मौर्य नाम का लड़का बैला फुसलाकर उसके परिवार के सहयोग से उसको वो ले गया, जिसकी अभी जानकारी मिली कि 1 तारीख को हत्या हो चुकी थी हावड़ा में, जिसका शव जो है वो रेलवे ट्रैक के किनारे प्राप्त हुआ। चूँकि रेलवे ट्रैक के किनारे शव प्राप्त हुआ है और अभी उसकी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, उस बच्ची के साथ क्या दुराचार हुआ, जबकि उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष 2 माह की है। 14 वर्ष 2 माह की पुत्री जिसका जो है अपहरण कर हत्या कर दी गई, उनको सजा मिलनी चाहिए, जिसमें कि थाना कैंट की बहुत बड़ी लापरवाही रहा। 6 दिन तक उन्होंने किसी से कोई पूछताछ नहीं की, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। जब वो लड़का आ गया है, उसने शामिल हुआ है, तो उस लड़के से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उस लड़की का मोबाइल प्राप्त हुआ तो उसने कहा कि हमें पता नहीं लड़की कहाँ है। तो जब लड़की कहाँ है और तेरे पास लड़की का मोबाइल कैसे आया, ये सारे प्रश्न करने चाहिए, उसके परिवार के लोगों से करना चाहिए। उसके परिवार के लोग उसे रुपए पैसे दे करके अपने लड़के की सहयोग करते रहे और हत्या के मामले को छुपाए रहे। हम सभी लोगों की ये मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा से नीचे हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। उनको, उन दोषियों को भरपूर पूरी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी न्याय की उम्मीद में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। दरअसल कैंट क्षेत्र की 14 साल की किशोरी का शव पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर मिला था। वह 27 जून से लापता थी। शक के आधार पर परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक और उसके परिवार के लोगों पर किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोपी ने कैंट थाने में सरेंडर कर दिया है। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह और किशोरी बरेली से बंगाल के हावड़ा गए थे। वहां से लौटकर बरेली आते वक्त आत्महत्या के इरादे से दोनों चलती ट्रेन से कूद गए। इससे युवक रेलवे लाइन किनारे बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो किशोरी गायब थी। वह घबरा गया और बरेली लौट आया। उधर पुलिस के साथ हावड़ा जाकर परिजनों ने वहां शव का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद वहीं किशोरी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब परिजन कैंट थाने में पहले से दर्ज अपहरण के मामले को हत्या में तब्दील करके आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि किशोरी का मोबाइल आरोपी के पास से बरामद हुआ है और उसी ने किशोरी की हत्या करी है।